अच्छा हो गया जी, चलिए एज ए सीनियर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रफ बुक का मतलब क्या होता है। आप फेयर करने से पहले रफ बुक में आप काम करते हैं और उसके बाद आप उसको फेयर करते हैं। तो ज़िंदगी भी जो एक स्टूडेंट्स की ज़िंदगी भी एक रफ बुक की तरह है कि आप कॉन्स्टेंटली आप कोशिश करते रहते हैं बेहतर करने की और उसके बाद आप उसको फेयर करते हैं, है ना। तो ये पिक्चर जो रफ बुक है वो इसी तरह से कुछ बच्चों या कुछ स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को दिखाती है जिनकी ज़िंदगी सिर्फ रफ बुक बन के रह गई थी, वो हमेशा रफ बुक में ही सीमित रह गए थे। उनको बेहतर बनने की जो कोशिश है ज़िंदगी का वो जो मौका है वो नहीं मिल रहा था। इस फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे उनको वो मौका मिलता है। मैं टीचर हूँ, प्रोफेसर हूँ, लेकिन बड़ा हसमुख प्रोफेसर हूँ और उस तरह का प्रोफेसर हूँ जो सिर्फ ऊपर से पढ़ाई नहीं थोपता है बल्कि किसी के अंदर से जागृत करता है उसके अंदर के अंदर का अनुभव। ये मेरे स्टूडेंट है, बाकी सब मेरे टीचर हैं, मगर लगते हैं स्टूडेंट। ये बड़े ही बेहुदे चरित्र कर रहे हैं। ये जो है हमारे भारत के सरकारी सिस्टम के सबसे सड़े गले जो जो स्तंभ होता है ना, ये उनमें से है। बड़े ही करप्ट किस्म का इंसान है। आज का जो भारत है ना, इतनी जो यंग पॉपुलेशन है, इतने सारे, तो मतलब फ्यूचर के लिए कैसे इंडिविजुअल्स हम मतलब सोसाइटी में प्रदान करेंगे, मतलब किस तरीके के होंगे, वो उससे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही मायने रखता है। तो ये फिल्म उसके बारे में है कि वो एजुकेशन सिस्टम को बदला कैसे जाएगी, जो रटने की जो एक सिस्टम है उसे बदल के कैसे हर इंडिविजुअल को खुद मतलब सोचने की शक्ति उसमें मतलब उसे वो एम्पावरमेंट दिया जाए और वाइज कंपैशनेट इंडिविजुअल्स कैसे, रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स कैसे सोसाइटी को मतलब दिए जाए, ये मेन मुद्दा है इस फिल्म का। और इसको बिजनेस ना बनाया जाए खास तौर से, मतलब पर स्कूल जो थे वो किसी वजह से स्टार्ट हुए थे इस दुनिया में, उसको स्कूल की तरह रखो, एजुकेट करो बच्चों को, बिकॉज यही आपकी मतलब हमारी कंट्री है, कोई भी कंट्री को आगे यही बढ़ाते हैं द नेक्स्ट। एंड उसको अगर आप बिजनेस बना दोगे तो सब कुछ लेफ्ट राइट हो जाएगा, एवरीथिंग इज हेवायर्ड राइट। तो एजुकेशन पर स्ट्रेस तो, बच्चों को सिखाने पर स्ट्रेस तो, सिर्फ रट्टा लगवाने पर नहीं, जिसकी वजह से ही वो जब बड़े होंगे they'll either become something for themselves or they'll do something very good for the country as well. तो बहुत कुछ स्कूल और एजुकेशन से मिलता है, पूरी ज़िंदगी मिलती है वैसे तो, बट रफ बुक में खास तौर से भी दिखाया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं होने दो, let education be about education and not just making money. तो जिसकी वजह से ये टीचर जो बने हैं, ये पिक्चर के अंदर टीचर बने, ये भी पम्प करते हैं कि बच्चे जो जिनको नलायक समझा जा रहा है पिक्चर के अंदर, और असल लाइफ में भी कुछ होते हैं बच्चे जिनको टीचर समझते हैं नलायक ही हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे तो इनको वापस स्कूल में भी नहीं लेंगे, हमारे स्कूल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। तो आई थिंक ऐसे टीचर्स के अगेंस्ट और ऐसे थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट ये पिक्चर में है। तनिष्ठा जो संतोषी प्ले कर रही है टीचर, दे कैन ऑफ स्टैंड अगेंस्ट दैट थॉट प्रोसेस कि नहीं, हम यू नो अगर ये डफर्स माने जाते हैं हम इनको सिखाएंगे, इनको समझाएंगे, और जिसकी वजह से ये भी आगे बढ़ेंगे। सिर्फ 99% वाले नहीं, जो कि 40 में भी हैं 30 में भी, उनको भी हम 99 के बना सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कि हमें समझना है कि उनको पढ़ाना कैसे है, क्योंकि हर एक इंसान के एक अलग तरीका होता है समझने का, हमारी पाँचों उंगली अलग हैं, तो शायद इस बच्चे का अलग तरीका हो, शायद इसको क्लासरूम की जगह बास्केटबॉल कोर्ट में समझ आ रहा है फिजिक्स, मतलब यू नो अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। तो रफ बुक इन चीज़ों पर काफ़ी स्ट्रेस करती है। तो हाँ, मेरे साथ भरपूर है। मैं स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था, उसका एक बहुत बड़ा कारण वो था जो मैं बाद में पता चला, क्योंकि बाद में मैं टीचर बना, मैं खुद पढ़ाने लगा था, तो मुझे वो तब समझ में आए कि मेरे जो टीचर्स थे, ज़्यादातर टीचर्स वो क्लास में आते थे सिर्फ कोर्स कंप्लीट करने के लिए, कि उनको 12 महीने के अंदर 9 महीने में कोर्स कंप्लीट करना है और उनको अपने क्लासेस में से इतने पासिंग परसेंटेज देना है या इतने फर्स्ट डिविजन्स देने हैं या इतने हाई फर्स्ट डिविजन्स देने हैं, तब जाके उनका औहदा बढ़ेगा। आंकड़े, तो आंकड़े जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे इंसान हैं जिनकी समझ या सोच कुछ ज़्यादा प्रखर होती है, बेहतर होती है, वो सिर्फ रट्टा लगा के कॉपी करके, या जिसे हमारे किसी एक अच्छे टीचर ने कहा था कि आपने कुछ खाया और टेस्ट पेपर में उसके उल्टी कर दिया और उस पर आपको मार्क्स मिले, उससे नहीं हो सकता है। आप स्टूडेंट्स जब आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है कि आप इस दुनिया के लिए बेहतर सिटीजन्स बनाएं, क्रिएट बेटर ग्लोबल और अर्थ और यूनिवर्सल सिटीजन्स, राइट। नौकरी तो एक रिलेटिव चीज़ है, आप टीवी में काम करते हैं, कोई सिनेमा में काम करता है, कोई घास काटता है, हर कोई अपना काम अच्छे तरह से करे तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन क्या वो बेहतर इंसान
और वाजिब और समझदार इंसान बनता है जिससे समाज को फ़ायदा हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट स्टडी एजुकेशन नॉलेज का एक ही मायने है कि आप इस दुनिया को बेहतर नागरिक दें, सिर्फ नेशनल नहीं ग्लोबल यूनिवर्सल नागरिक दें। एक पिक्चर का, कोई भी फिल्म का एक मकसद तो यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुँचे। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस की बात करते हैं, आप सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ मासेस की बात नहीं करते, आप तरह तरह के ऑडियंस की बात करते हैं। तो जब एक फिल्म अलग अलग फेस्टिवल में जाती है, फेस्टिवल में लोगों की अपेक्षाएँ होती हैं कि हम अलग अलग कल्चर से काम देखेंगे, वियतनाम से देखेंगे, पाकिस्तान से देखेंगे, अफगानिस्तान से देखेंगे, इंडिया से देखेंगे। तो फेस्टिवल में ये जो आपको एक कल्चरल रेनबो की तरह आपको सिनेमा देखने को मिलता है। हॉल्स में जब फिल्म रिलीज़ होती है वो एक मनोरंजन या एंटरटेनमेंट का जरिया हो जाता है, लेकिन फेस्टिवल्स में वो सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, वो एक कल्चरल विंडो है, एक खिड़की है किसी एक कल्चर को देखने या समझने की। तो हमारी फिल्म जब अलग अलग फेस्टिवल में जाती है या पहुंचती है, उसे सिलेक्ट किया जाता है, तो इसका मतलब हमें वो दर्जा दिया जा रहा है कि हाँ आप किसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस कल्चर को अच्छी तरह से दर्शा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हालांकि हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी ह्यूस्टन और सैन फ्रांसिस्को और स्टुटगार्ट और वाशिंगटन जैसी जगहों पर भी इस सिस्टम और इस फिल्म के साथ एक क्या कहते हैं, एक रिलेशन जैसा जुड़ गया था। उनको एक दे रिकग्नाइज्ड द प्रॉब्लम्स जो इस फिल्म में हैं, उनके सिस्टम के साथ भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने एक रिलेट किया। और तब हमें पता लगा कि हमने न सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर किया कुछ बात की है, शायद ग्लोबल लेवल पर ये चल सकता है, क्योंकि ग्लोबली भी एजुकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो वो रिकग्निशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। खुश नसीब हूँ कि सेंसर्स ने हमारे फिल्म को ठीक तरह से देखा नहीं, क्योंकि अगर उनको बात समझ में आ जाती कि क्या क्या इश्यूज़ हमने इसमें टैकल किए हैं, तो शायद उस फिल्म को भी साइड में रख देते और बोलते कि नहीं, ये तो बहुत ही रियल है और ये बहुत ही पॉलिटिकल है और ये बहुत ही उस तरीके से आपने एक्सपोज किया है चीज़ों को। तो चूंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, इस मामले में लोगों को कुछ बात समझ में नहीं आई, तो एजुकेशन, हाँ समझने के लिए भी एजुकेशन की ज़रूरत है। हाँ समझने के लिए भी एजुकेशन चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि अगर कुछ बुरी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि उस पर पर्दा डालो ना, उस पर चर्चा करो, उस पर डिस्कशन करो। अगर वो बात सामने आए, अगर लोग समझेगी ये प्रॉब्लम है, तभी तो उसका कोई हल निकलेगा। ये नहीं कि उसको कापेट के नीचे स्वीप कर दो और नहीं नहीं हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है, ये तो गलत बात है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी फिल्में बने जो सेंसर्स के समझ में नहीं आए और ऐसे इश्यूज हम लेके आए जो वो तो हमने नहीं देखे और हमें पता नहीं है कि उसमें क्या सब्जेक्ट दिखाया गया है, तो उसके बारे में तो हम बात नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि सेंसर्स दोबारा हमारे फिल्म आके देखें, मैं तो चाहूँगा कि लोग जाके देख के ये फिल्म रिलीज़ हो जाए। ये जानने के लिए तो आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी, पर आप पोस्टर देखिए, उससे जो महसूस हो रहा है उस ढंग के टीचर हूँ वो देखिए। जिस ढंग की टीचर मैं वहाँ लग रही हूँ उसी ढंग की टीचर हूँ। ये है कि अगर हम सिर्फ थियोरीज और इसमें ना बैठे रहे, उस थियोरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो बच्चों को अच्छे से सहज ढंग से समझाएँ, तो उनको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और इसीलिए वो बहुत पॉपुलर टीचर है, वो एक ऐसी टीचर है जो एक्सेसिबल है, जो सिर्फ अपने आप को टीचर और तुम स्टूडेंट ऐसे करके नहीं रखती है। वो एडुकेशन का मतलब अलग ढंग से डिफ़ाइन करना चाहती है कि स्टूडेंट्स ग्रो करे, स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ को समझे और सिर्फ रटे ना एग्ज़ाम के लिए। तो यही उसकी स्ट्रगल है और ये स्टोरी उसी के बारे में है कि कैसे ये डी सेक्शन, जो हम कहते हैं कि डी फॉर डफर्स हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उनको भी कन्विंस करती है, वो भी उसके क्लासेस अटेंड करने आते हैं, उनको भी फिज़िक्स जैसे कठिन सब्जेक्ट में मज़ा आने लगता है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस ढंग के टीचिंग को अप्रिशिएट नहीं करती। तो मैनेजमेंट कहती है कि अरे तुम सिलेबस पूरा नहीं कर रही हो, तुम टारगेट्स मीट नहीं कर रहे हो, इनका सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रहा है, इतना इतना तुमको 10th चैप्टर तक पढ़ाना है, तुम क्या इतने टाइम लगा रही हो समझाने में।
तो वो कहती कि फर्स्ट चैप्टर ही अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो मैं टेंथ तक पहुँच के करूँगी क्या. सो वो बहुत आइडियलिस्टिक टीचर है. मुझे बहुत मज़ा आया ये प्ले करने में क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों में विश्वास रखती हूँ. मैं खुद स्टूडेंट थी और जब थी तो मुझे भी ऐसी चीज़ों से हमेशा प्रॉब्लम लगी. लेकिन मैं थोड़ी सी लकी थी कि मैं एक ऐसे स्कूल में गई थी जो अल्टरनेटिव एजुकेशन में विश्वास रखती थी. तो हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, हम लोगों के साथ बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे ड्रामा हुआ, सिंगिंग हुआ, पेंटिंग, हम कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, हम लोग अलग अलग चीज़ें करते थे जो हमारा बहुत अहम पार्ट था करिकुलम का. उसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कहते थे, हम कहते थे ये करिकुलम में है. तो इसलिए मैं इस सब्जेक्ट से और इस फिल्म से मैंने बहुत, मतलब मेरा एक गहरा मतलब रिलेशन है और मुझे बहुत मज़ा आया एक फिज़िक्स टीचर प्ले करने में. जब आप स्टूडेंट हैं तो ऐसी कोई मेमोरी, ऐसी कोई यादें जो आप शेयर करना चाहें अपने टाइम की, अपने ज़माने की. हाँ, बहुत सारी यादें हैं. जैसे इस फिल्म में भी थोड़ा सा जैसे होता है कि आप जब टीचर को पसंद करने लगते हो तो उनके फ़ैन हो जाते हो. तो हमारा मतलब मैं भी, अब मेरे जो ऑर्गेनिक टीचर थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती थी, उसकी इतनी फ़ैन थी कि मैंने कॉलेज में जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर ही कर लिया क्योंकि मुझे उस टीचर से प्यार हो गया था. सो शी वॉज सच अ गुड टीचर. वो इतने अच्छे ढंग से वो रिएक्शन समझाती थी कि मुझे सब्जेक्ट से ही प्यार हो गया. तो मैं उस अहमता को समझती हूँ. कि फिर हमारे एक सिविक्स और ज्योग्राफी टीचर थी जो बहुत पॉपुलर थी, बहुत अच्छे ढंग से सज के आती थी क्लास में और लड़के बहुत फ़ैन थे उसके. तो ये सब जो मेमोरीज है ये मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आई हूँ रफ बुक में. कि और वो मजाक भी करती थी और मतलब हर लड़का जो था उनका थोड़ा दीवाना था. और वो बहुत खूबसूरत साड़ियाँ पहन के आती थी फैम इंडिया की और कुछ शॉर्ट बाल थे. तो ऐसे जो मेमोरीज थे, एक जो लड़का था हमारे क्लास में तो उसने तो एक बार सोचा था कि उनको कुछ मतलब एक लव लेटर लिख ही दूँ. और तब हम लोग सेवन्थ एट्थ स्टैंडर्ड में ही थे लेकिन लिखा नहीं उसने कभी. वो बाद में जाके पता चला कि उसका क्रश था उस टीचर पे. तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो सब हम लोग मतलब वर्कशॉप में ऐसे बातें करते थे कि स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या होता है. जी झूठ नहीं कहूँगी, बहुत अच्छा लगता है. लेकिन हम अवार्ड के लिए काम नहीं करते हैं. हम आर्टिस्ट्स हैं, हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कहानियों के थ्रू, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू. बहुत सारी चीज़ें जो हमारे समाज में हमें या तो इंस्पायर करती है या ट्रबल करती है या जो मुद्दे हमें लगता है कि वो सवाल हमें उठाने चाहिए, ऐसी चीज़ें हम एक्सप्रेस करते हैं. उसके बाद जब लोगों को पसंद आता है और क्रिटिक्स को पसंद आता है और सिनेफाइल्स जो हैं अलग अलग फेस्टिवल्स में दुनिया में एक अलग कल्चर के ऑडियंस को भी पसंद आता है, तो उस वैलिडेशन से बहुत मज़ा आता है. और जो मेहनत, जिस मेहनत से हम लोग फिल्में बनाते हैं, जब इस टाइप की वैलिडेशन मिलती है, हम लोग देश विदेश में फिल्म दिखाते हैं, ट्रैवल करते हैं, दूसरे आर्टिस्ट से मिलते हैं, डिस्कस करते हैं उनके सोशल इश्यूज़, हमारे सोशल इश्यूज़ के बारे में, तो वो उन सब एक्सचेंजों से हमारा एक्सपीरियंस एज एन आर्टिस्ट एनरिच होता है. तो मेरे लिए ये सब उस जर्नी का पार्ट है. अवार्ड्स अच्छे हैं लेकिन उस चीज़ के लिए हम काम नहीं करते हैं. हम काम करते हैं क्योंकि हमको मज़ा आता है इसमें. ट्वेंटी फोर्थ जो ये फ्राइडे है, रफ बुक रिलीज़ हो रही है महाराष्ट्र के थिएटर्स में. बॉम्बे में 4 थिएटर्स में रिलीज़ है और पुणे में भी रिलीज़ है. तो आप लोग ज़रूर देखने आइए. जहाँ जहाँ भी इसकी स्क्रीनिंग्स हुई हैं, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और पेरेंट्स सबको बहुत अच्छी लगी ये फिल्म और मुझे लगता है आप लोगों को भी अच्छी लगेगी. सो 24 जून फ्राइडे को ज़रूर आइए देखने रफ बुक.